हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और यमी सा केक, और ये केक हम मैदे से नहीं बल्कि आटे से बनाएंगे। जी हाँ, इस केक को हम गेहूं के आटे से बनाने वाले हैं, तो ये काफ़ी हेल्दी केक बन करके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी केक खाने का मन हो तो आप इस केक को बना करके तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये केक काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। तो शुरू करते हैं इस टेस्टी यमी से केक की रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप नमक डाल लिया। ये वही नमक है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें हम एक वायर स्टैंड डाल लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसमें एक कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। इस नमक को आप बार बार केक बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसे खाने के लिए यूज़ ना करें। इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे प्री हीट होने देंगे, और इसका हमने विसल को भी हटा लिया है। यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1/4 कप ऑयल ले लिया है। आधा कप हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो मिक्सर में हमने चीनी को पीस करके तैयार किया था, और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, यानी कि एक छन्नी लेते हैं, और इसमें हम डाल लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। 2 बड़े चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डाल लेते हैं। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने से ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाती है। और अब हम इसे छान लेते हैं। तो छन्नी से इसे अच्छी तरह से छान लेंगे, जिससे कि बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर जो है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। आटे को इस तरह से छान करके यूज़ करने से हमारा केक जो है बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होता है। और इस तरह से हमने इसे छान करके रख लिया है, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। एक बार में पूरा दूध नहीं डालेंगे, तो जितना लगेगा उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे। हमें इसे एक डायरेक्शन में ही मिक्स करना है, दोनों तरफ से हम इसे मिक्स नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं हम इसे एक तरफ से ही मिक्स करते जा रहे हैं, और बिल्कुल हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे। इसे स्पीड में बिल्कुल मिक्स ना करें, और जितना दूध लगेगा हम उस दूध को डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो हमने इसमें करीब 1 कप के करीब दूध डाल लिया है, और इसे मिक्स करते हुए हमने इसका अच्छा सा घोल बना करके तैयार कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये हमारा बैटर बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और इसे फिर से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो केक का बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे केक टिन में डाल देते हैं। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप घर में कोई भी टिफ़िन या ऐसा कोई बर्तन हो जो कि थोड़ा गहरा हो, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप केक टिन को देख सकते हैं, हमने इसमें बटर पेपर लगा लिया है, और इसे ऑयल से हमने ग्रीस कर लिया है। और इसमें अब हम केक का बैटर डाल लेते हैं, और अब हम इसे टैप कर लेते हैं इस तरह से, जिससे कि जो एक्सेस एयर होगा इसमें वो निकल जाएगा। और इसमें आप अपने पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, या तो फिर टूटी फूटी डाल सकते हैं, जिससे कि ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। और अब हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। प्रेशर कुकर की जगह आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। हमारा प्रेशर कुकर भी काफ़ी गर्म हो चुका है, तो बहुत ही सावधानी से इसे डालें, क्योंकि हाथ के जलने का भी डर होता है। तो अब हम इसे ढक देंगे, और इसे 30 से 35 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेते हैं। तो 35 मिनट्स के बाद हम इसे चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा केक बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ है। और अब इसे हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो बिल्कुल बीच में हमने इसे इंसर्ट किया है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लीन निकला है, यानी हमारा केक बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो बहुत ही सावधानी से इसे निकालें,
और ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। अगर ये गर्म हो रहे और इसे आप डीमोल्ड करेंगे तो ये टूट सकता है। तो अब हम एक चाकू की हेल्प से इसे इसके जो साइड से उसे रिलीज़ कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमारा जो केक है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और हमने इसमें बटर पेपर का भी यूज़ किया है तो उससे भी केक जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो अब हम एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में इस केक को ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये केक जो है बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी यमी सा केक बन करके तैयार हो चुका है। तो इसमें से बटर पेपर जो है उसे हम निकाल लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट ये बन करके तैयार हुआ है। और अब हम इसे एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम इसे काट देते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही यमी सा केक बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए इस केक को, ये आटे से ही बन जाता है। तो जब भी आपको केक खाने का मन हो तो आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये आटे की केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।